Friends, welcome you in YouTube channel by Deepika Chauhan in Easy Home Recipe and in Mom's Magic. आज आपको गेहूं का हलवा बताती हूँ. उसके लिए हमने गेहूं को भूंज कर उसका आटा बनाया है. एक कप हम गेहूं का आटा लिया है, 3 कप पानी, 1 कप शक्कर, 1/2 कप घी और ड्राई फ्रूट्स 1 टेबलस्पून लिया है. अब हम 1/2 कप घी में उस गेहूं, अब हम जो हमने 1/2 घी लिया था उसमें का 1 टेबलस्पून उसमें का घी लिया है. अब उस गरम घी में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे 1 टेबलस्पून. इसे अच्छी तरह भूंजेंगे 2 मिनट. अब वो घी में से हम ड्राई फ्रूट्स तल के निकाले हैं. अब 1 टेबलस्पून घी में गेहूं का आटा भूंजेंगे अच्छी तरह धीमी आंच पर ही. हमने 2 मिनट ही भूंजा है गेहूं का आटा क्योंकि ऑलरेडी वो गेहूं भूंज के है. उसका अच्छी तरह खुशबू आ रहा है. अब हम गैस को बंद, हम जिस कप से आटा लिया उसी कप से 3 कप पानी थोड़ा सा गर्म होने के ये रखेंगे. अब उस गेहूं के आटे में थोड़ा सा गर्म हुआ पानी जो 3 कप लिया है उसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे. अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, हमने गैस भी बंद करा है. अब हमने गैस ऑन किया धीमी आंच पर ही, उस भुंजे हुए आटे में 3 कप पानी डाला और उसे घट होने दो. धीमी आंच पर ही करिए. देखिए अच्छी तरह घट हो रहा है धीमी आंच पर ही. अब घट होने के बाद उसमें शक्कर 1 कप, जिस कप से हम आटा लिए उसी कप से. देखिए धीमी आंच पर हलाते जाइए. ऊपर से घी डालिए जो हमने 1/2 कप लिया था पहले भूनने के लिए, बाद में ये अच्छी तरह घट होने लगा है आप उसमें घी डालेंगे. अब उसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे. देखिए हमारा गेहूं का हलवा रेडी है. घी घी लग रहा है, उस हलवे में से घी सेपरेट लगता है, समझना कि हलवा रेडी है. अब उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे. देखिए हमने गैस बंद कर दिया, हमारा हलवा रेडी है. ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. किसी भी चीज़ आप इसे प्लेट पर भी घी लगा के टुकड़े स्लाइस कर सकते हैं काट के. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस. ये हेल्थ टिप है. थैंक यू वेरी मच.